गुड इवनिंग क्लास 10th की प्यारे बच्चों, आज हम लोग चलेंगे जो हम लोग का ग्रामर में सेक्शन ए रीडिंग सेक्शन चल रहा है, और रीडिंग सेक्शन में जो हम लोग का 10 अनसीन पैसेज की श्रृंखला चल रही है, आज हम लोग इसमें अनसीन पैसेज नंबर 10 को देखेंगे, मीन्स 10वीं और अंतिम अनसीन पैसेज को करेंगे। और आज का ये अनसीन पैसेज आपका एमसीक्यूज टाइप वाला अनसीन पैसेज होने वाला है, जो आपकी बोर्ड परीक्षा में 3 नंबर का पूछा जाएगा। और इस 10 अनसीन पैसेज की श्रृंखला से आपकी बोर्ड परीक्षा में 10 नंबर पक्के होने वाले हैं। इसलिए जितनी भी क्लासेस आपको दी जा रही हैं, आप हर एक क्लास को अटेंड करोगे, किसी भी क्लास को आप मिस नहीं करोगे। और अभी तक अनसीन पैसेज की 9 क्लास हो चुकी है, आज की एक क्लास 10वीं और अंतिम क्लास है। तो यदि इनमें से आपका कुछ भी छूटा हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पर आपको क्लास 9-10th की ग्रामर की नए सेशन की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें अब तक जितनी क्लासेस चली हुई हैं सारी क्लासेस एक शेड्यूल वाइज लगी हुई हैं। तो जहाँ से भी आपका छूटा हो आप वहाँ से देख करके पूरा कर सकते हैं। और ई क्लास फ्री प्लस पेड बेस दोनों बच्चों के लिए कंबाइंड क्लास है। जैसा कि इस समय सभी बच्चों को पता है, शाम 6:30 बजे दोनों बच्चों की लगातार कंबाइंड क्लासेस चल रही हैं। और पेड क्लास के बच्चे ध्यान देंगे, इसका पीडीएफ आपको क्लास के तुरंत बाद पेड क्लास के ग्रुप में प्रोवाइड कर दिया जाएगा, इसलिए पेड क्लास के बच्चे पीडीएफ के लिए बिल्कुल परेशान नहीं होंगे। अब जल्दी से हम लोग आज की क्लास से कनेक्ट होते हैं। तो क्लास पे चलने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और क्लास 10th के हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर कर दें। आप बच्चे यहाँ पर देखिए, आपका अनसीन पैसेज नंबर 10 लिखा गया है, और इस अनसीन पैसेज के आधार पर यहाँ पर देखिए आपके एमसीक्यूज हैं। और हमने कितने एमसीक्यूज लिए हुए हैं? 3 एमसीक्यूज लिए हुए हैं, क्योंकि इस सेकंड अनसीन पैसेज के आधार पर आपके बोर्ड परीक्षा में इसी तरह से 3 एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। आप अच्छे पहले हम लोग इस अनसीन पैसेज का हिंदी अर्थ देख लेते हैं, फिर उसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर की तरफ आगे बढ़ेंगे। और इसके हिंदी अर्थ पे चलने से पहले सभी प्यारे बच्चे एक बार वीडियो को लाइक कर दें, तभी हम लोग इसके हिंदी अर्थ की तरफ आगे बढ़ेंगे। भैया लाइक करने में कोनो कोताही आप नहीं करेंगे। अब देखिए अनसीन पैसेज में क्या दिए हुए हैं। वी आर ऑल, हम सभी, वी आर ऑल मीन्स हो जाएगा हम सभी, फेमिलियर मीन्स परिचित हैं, वी आर ऑल फेमिलियर, हम सभी परिचित हैं। विद द नेम ऑफ विक्रमादित्य मीन्स विक्रमादित्य के नाम से, हम सभी विक्रमादित्य के नाम से परिचित हैं। हिज रेन, उनका शासन, रेन मीन्स होता है शासन, हिज रेन उनका शासन, हैज बीन अ लैंडमार्क, लैंडमार्क मीन्स होता है युगांतकारी घटना, उनका शासन एक युगांतकारी घटना है। इन द हिस्ट्री ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश के इतिहास में, हमारे देश के इतिहास में उनका शासन एक युगांतकारी घटना है। दी विक्रम संवत, दी विक्रम संवत मीन्स हो जाएगा विक्रम संवत, ओप्स मीन्स होता है ऋणी होना, विक्रम संवत ऋणी है। इट्स ओरिजिन, अपनी उत्पत्ति के लिए, ओरिजिन मीन्स होता है उत्पत्ति, विक्रम संवत अपनी उत्पत्ति के लिए ऋणी है। टू ही मीन्स उनका, उनका मीन्स विक्रमादित्य का। तो पूरे का अर्थ क्या हो जाएगा, विक्रम संवत अपनी उत्पत्ति के लिए विक्रमादित्य का ऋणी है। आल्दो यद्यपि, आल्दो मीन्स होता है यद्यपि, हिज नेम इज सो फेमस, उनका नाम बहुत प्रसिद्ध है, फेमस मीन्स होता है प्रसिद्ध, यद्यपि उनका नाम बहुत प्रसिद्ध है। और यहाँ पर प्यारची कामा लगाई हुई है, इस कामा का अर्थ होगा एट, एट मीन्स हो जाएगा आपका बट कह सकते हैं, यहाँ पर इस कामा का अर्थ क्या हो जाएगा, बट मीन्स लेकिन। अब पूरी का अर्थ निकाला, यद्यपि उनका जो है नाम बहुत प्रसिद्ध है, ये जो है फिर कामा, अब उसके बाद इट इज स्ट्रेंज, मतलब यहाँ पर कामा का हमने क्या अर्थ जो है आपको बता दिए, बट बता दिए मीन्स लेकिन, लेकिन इट इज स्ट्रेंज, यह विचित्र है, दैट वी हार्डली, हार्डली मीन्स होता बहुमुश्किलन, हम बहुमुश्किलन, नो एनीथिंग मीन्स कोई चीज जानते हैं, डेफिनेट मीन्स निश्चित रूप से, मीन्स यह जो है लेकिन हम बहुमुश्किलन कोई चीज जो है निश्चित रूप से जानते हैं, अबाउट हिज लाइफ मीन्स उनके जीवन के बारे में, लेकिन यह बड़ी विचित्र बात है कि हम बहुमुश्किलन उनके जीवन के बारे में कोई निश्चित चीज जानते हैं, अर्थात कहने का संदर्भ हो जाएगा कि हम उनके जीवन के बारे में बहुत सारी चीजों को नहीं जानते हैं, यद्यपि उनका नाम बहुत प्रसिद्ध है लेकिन हम उनके जीवन के बारे में कोई निश्चित चीज नहीं जानते हैं, यहां पर एक पूरी लाइन का आपका संदर्भ हो जाएगा। अब आगे देखिए, आगे क्या दिए हुए हैं,
डियर इज मीन्स यहां है वन थिंग सर्टेन, एक चीज निश्चित है। डियर इज वन थिंग सर्टेन, एक चीज निश्चित है अबाउट ही मीन्स उनके बारे में, लेकिन उनके बारे में एक चीज निश्चित है। हाउ एवर मीन्स फिर भी, ही लव्ड, वह प्रेम करते थे, जस्टिस मीन्स न्याय से, एंड लर्निंग और ज्ञान को, वह ज्ञान और न्याय को क्या करते थे, प्रेम करते थे। तो यहां पर पूरे का अर्थ फिर से आप देखेंगे, देयर इज वन थिंग सर्टेन अबाउट हिम, उनके बारे में एक चीज निश्चित है। हाउ एवर ही लव्ड जस्टिस एंड लर्निंग, कि वह जो है ज्ञान और जो है न्याय को पसंद करते थे। आगे देखिए, ही गेव परफेक्ट जस्टिस, ही गेव, वह देते थे, परफेक्ट मीन्स एकदम सही सही, वह एकदम सही सही देते थे, जस्टिस मीन्स न्याय, वह जो है एकदम सही सही न्याय देते थे, टू हिज पीपल मीन्स अपने लोगों को, वह अपने लोगों के एकदम सही सही न्याय देते थे। एंड गैदर्ड, और इकट्ठा रहते थे, लर्नेड मैन, लर्नेड मीन्स हो जाएगा विद्वान आदमी, और विद्वान आदमी इकट्ठा रहते थे, अबाउट हिम इन हिज कोर्ट मीन्स उनके कोर्ट में, और उनकी कोर्ट में उनके दरबार में विद्वान लोग गैदर रहते थे, मीन्स इकट्ठा रहते थे, मीन्स सभी विद्वान लोग रहते थे। इट इज सेड, ऐसा कहा जाता है, दैट ही वॉज द ग्रेटेस्ट जज, वह एक महानतम, ग्रेटेस्ट मीन्स हो जाएगा महानतम, जज मीन्स हो जाएगा न्यायाधीश, इन हिस्ट्री मीन्स इतिहास में, ऐसा कहा जाता है कि वे इतिहास में एक महानतम क्या थे, न्यायाधीश थे, जज थे। तो प्यारे, ये हो गया आपका इस अनसीन पैसेज का हिंदी अर्थ हो गया। अब हम लोग जो है इसके आधार पे जो एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन बने हुए हैं उन प्रश्नों की तरफ आगे बढ़ेंगे। और इस जो है छोटे से अनसीन पैसेज में आपने देखा विक्रमादित्य के बारे में थोड़ा सा जो है फिगर आउट किए हुए हैं, और ये पहले प्याची एक चैप्टर था, पहले की किताब के पहले सिलेबस में जो है आपका एक चैप्टर था, द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, उस चैप्टर का ये आपका अनसीन पैसेज है, मीन्स उस चैप्टर का छोटा सा पैसेज लिया गया है। तो प्याचे अब जो है इस अनसीन पैसेज के आधार पर एमसीक्यूज को देखते हैं। यहाँ पर देखिए आपके क्वेश्चंस लिखे गए हैं, और प्रत्येक प्रश्न तीन प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न कितने नंबर का होगा, एक नंबर का होगा। अब देखिए पहला प्रश्न दिए हुए हैं, बाई विच नेम, किस नाम से आर वी फैमिलियर, हम परिचित हैं, हम लोग किस नाम से परिचित हैं। तो प्याचे शुरुआत की पहली लाइन में दिया हुआ है ना, वी आर ऑल फैमिलियर विद द नेम ऑफ विक्रमादित्य, हम सभी विक्रमादित्य के नाम से परिचित हैं ना, तो आपका पहले लाइन में इसका उत्तर मिल जाएगा। तो प्याचे इसमें प्रश्न जो दिए हुए हैं, बाई विच नेम आर वी फैमिलियर, किस नाम से हम सभी परिचित हैं, तो विक्रमादित्य हो जाएगा पहला ऑप्शन दिए हुए, रोहित बिल्कुल नहीं होगा, दूसरा ऑप्शन विक्रमादित्य जो है यही आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन है रोहन, ये भी नहीं होगा, चौथा ऑप्शन मोदी, ये भी नहीं होगा। तो प्याचे आपका जो है पहले का दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो पहले के दूसरे पर हम लोग क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। तो ये आपका पहला प्रश्न सही हो गया, और एक नंबर का आपने यहाँ पर जो है पक्का आपने एक नंबर कर लिए। इसी तरह से एकदम इजी सा प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा में आएगा, आप लोग केवल झूठे डरते हैं कि अनसीन पैसेज कैसे होगा। आप अच्छे यहाँ पर देखिए, और ये जो एमसीक्यूज वाला है ये तो और इजी सा है, इसमें और आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ पर देखिए दूसरा प्रश्न है, व्हाट डिड विक्रमादित्य लव, मीन्स विक्रमादित्य क्या प्रेम करते थे। तो वही है, व्हाट डिड विक्रमादित्य, क्या विक्रमादित्य लव मीन्स प्रेम करते थे, मीन्स विक्रमादित्य किस चीज से प्रेम करते थे। तो जाहिर सी बात है जस्टिस एंड लर्निंग से ना, सीधे इसमें आपका वर्डिंग दिया गया था ना कि ही लव जस्टिस एंड लर्निंग, आपका यहाँ पर देखिए आपका दिए हुए हैं, यहाँ पर देखिए हाउ एवर ही लव्ड जस्टिस एंड लर्निंग, तो वह जो है जस्टिस और लर्निंग से प्रेम करते थे। तो सिंपल से प्याचे पहला ऑप्शन एंगर बिल्कुल नहीं होगा, दूसरा ऑप्शन होप बिल्कुल नहीं होगा, तीसरा ऑप्शन प्रिया से प्रेम करते थे, भैया जो है विक्रमादित्य प्रिया से प्रेम करते थे, इनकी जो है सहेली का नाम था क्या प्रिया, तो भैया प्रिया भी नहीं थी ना, तो वह गलत हो जाएगा। तो चौथा ऑप्शन जो दिए हुए हैं जस्टिस एंड लर्निंग, तो आपका दूसरे का कौन सा सही हो जाएगा, चौथा सही हो जाएगा, जस्टिस एंड लर्निंग, तो दूसरे के चौथे पर हम लोग क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। तो फिर ये आपका दूसरा का आपका ये सही हो गया, चौथा सही हो गया। अब हम लोग बढ़ेंगे तीसरे और अंतिम प्रश्न की तरफ, बढ़ते हैं, देखते हैं तीसरा और अंतिम प्रश्न क्या है। यहां पर देखिए तीसरा और अंतिम प्रश्न है, Who was the greatest judge? कौन महानतम न्यायाधीश था इन हिस्ट्री मीन्स इतिहास में महानतम न्यायाधीश कौन था। तो बच्चे विक्रमादित्य की ही बात हो रही है ना,
आप लाइन में अंतिम में लाइन देखिए, इट इज सेड, अंतिम लाइन पैसेज का देखिए, इट इज सेड, यह कहा जाता है दैट ही वाज द ग्रेटेस्ट जज इन हिस्ट्री, वह इतिहास की महानतम जज थे। अब यहां पर वह मींस कौन है, विक्रमादित्य की बात हो रही है ना, तो विक्रमादित्य की बात हो रही है, यहां पर ही कौन है, विक्रमादित्य हैं, तो यही जो है यहां पर प्रश्न बन गया आपका, थोड़ा सा टेक्निकल प्रश्न है, इसी तरह से आपकी भी बोर्ड परीक्षा में देगा, टेक्निकल थोड़ा सा बनाएगा ताकि आप, आपका ए परखने के लिए कि आप उस स्पेसेस का मीनिंग समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो, तो इसलिए थोड़ा सा जो है टेक्निकल यहाँ पर बनाई हुई है। तो भैया जो है वाज़ द ग्रेटेस्ट जज इन हिस्ट्री, और वैसे भी यहाँ पर पूरा जो है ये जो अनसीन पैसेज है इसमें सिंपल सी बात है, विक्रमादित्य के बारे में पूरी बात की गई है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर विक्रमादित्य ही होंगे, तो आपका जो है विक्रमादित्य इस ऑप्शन में सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन है, पहला मोहित है बिल्कुल नहीं होगा, दूसरा कृष्णा बिल्कुल नहीं होगा, तीसरा ऑप्शन आपका विक्रमादित्य दिव्य है, तो तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, चौथा ऑप्शन राधा, राधा भी नहीं होगा, तो तीसरे पर हम लोग क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। तो फिर ये आपके तीनों प्रश्न इस अनसीन पैसेज के आधार पर कवर हो गए, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। और ये जो तीन नंबर का आपका अनसीन पैसेज बोर्ड परीक्षा में होने वाला है एकदम बिल्कुल इजी सा होगा, आप लोग एकदम दिमाग से जो है डर को निकाल दीजिए, इस बात का भरोसा आपको दिलाना चाहते हैं कि बिल्कुल दिमाग से डर को निकाल दीजिए, ये बिल्कुल अनसीन पैसेज एकदम आसान सा होता है। और अभी तक हमने जो है सभी 10 अनसीन पैसेज आपको कंप्लीट करा दिए हुए हैं, जो आपकी 10 अनसीन पैसेज की श्रृंखला की शुरुआत किए हुए थे, तो जिसमें हमने 7 अनसीन पैसेज जो है 7 नंबर वाला करा दिए हुए हैं, जो आपकी बोर्ड परीक्षा में पहला अनसीन पैसेज 7 नंबर का आएगा, उसे भी हमने 7 जो है अनसीन पैसेज की क्लास में करा दिए, बाकी 3 नंबर वाले की 3 क्लास दे करके आपको इसकी भी प्रैक्टिस करा दिए। अब उम्मीद करते हैं अगर आपने 10 क्लास को अटेंड कर लिया होगा तो उम्मीद करते हैं आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया होगा कि नहीं हम बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई पहाड़ चीज इसमें नहीं है, तो ऐसा आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया होगा ऐसा उम्मीद करते हैं। और कल की क्लास से, कल शाम 6:30 बजे की क्लास से आपका जो है क्या शुरू हो जाएगा, आर्टिकल शुरू हो जाएगा, मीन्स एसे जो है जिसे आप लोग कहते हैं आर्टिकल या एसे आपका शुरू हो जाएगा कल की क्लास से, तो इसलिए कल की क्लास से प्यार अच्छा नई टॉपिक आपकी शुरू होगी। और अभी तक आपने इन सारी क्लासेस में कोई भी छोटा हो तो आप जाकर के पीछे प्लेलिस्ट में देख करके पूरा कर लेंगे, कोई भी क्लास आप मिस नहीं करेंगे क्योंकि इस समय इंपॉर्टेंट क्लासेस चल रही हैं। तो प्यार अच्छी ये आज की क्लास हो गई, और उम्मीद करते हैं सभी प्यारों को समझ में आ गया होगा, और एक बार सभी प्यार अच्छे वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को सभी प्यार अच्छे एक बार वीडियो को लाइक कर दें, और जो पेड क्लास के बच्चे हैं अब जा सकते हैं क्योंकि क्लास समाप्त हो चुकी है, तो पेड क्लास के बच्चे जा सकते हैं, बाकी जो यूट्यूब के बच्चे हैं उन्हें एक बार बता देते हैं कि पेड क्लास में एडमिशन कैसे लेंगे, पूरा प्रोसेस क्या है एक बार बता करके क्लास की समाप्ति करेंगे। तो प्यार अच्छे ये है पेड क्लास की फैसिलिटीज, पेड क्लास में आपका इंग्लिश का कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा, मीन्स फर्स्ट पेपर प्लस ग्रामर पूरी तरह से कंप्लीट कराया जाएगा, जिसमें आपका फर्स्ट पेपर कंप्लीट हो चुका है, ग्रामर की क्लासेस लगातार क्लासेस चल रही हैं और जल्दी ही आपका ग्रामर भी कंप्लीट होने वाला है, क्लास को आपको पूरा पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा, डाउट्स क्लासेस आपकी चलती हैं, टेस्ट आपका वीकली और मंथली होगा, मॉडल पेपर कराया जाएगा, मींस आपकी बोर्ड परीक्षा में किस प्रकार से क्वेश्चन पेपर आएंगे उसका पूरा प्रैक्टिस मॉडल पेपर के रूप में करा दिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात, इस बार आपको पेड क्लास के ग्रुप में रिवीजन सीरीज देखने को मिलेगी, ये वो रिवीजन सीरीज है जिससे हमने पिछले सत्र में 100% पेपर को मैच कराई हुई थी, तो इसलिए ये रिवीजन सीरीज एकदम स्पेशल होने वाला है। और इस पेड क्लास का टारगेट है आपको इंग्लिश में 100 out of 100 मार्क्स के लिए पूरी तरह से तैयार करना, और फीस जो है प्याचे 10 से लेकर के 31 दिसंबर के बीच आपकी फीस 499 रुपए से कम करके 399 रुपए कर दी गई है। और आप पेमेंट कैसे करेंगे, आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, भीम ऐप, इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके आप पेमेंट कर सकते हैं। और अगर आप इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके पेमेंट कर रहे हैं तो यहाँ पर जो आपको नंबर दिया गया है 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है इसी नंबर पर आपको पेमेंट करने हैं, अगर आप इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके पेमेंट कर रहे हैं, या फिर आपको यहाँ पर एक बैंक डिटेल दिया गया है, आप इस बैंक डिटेल का भी प्रयोग करके पेमेंट कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर आपको कुछ QR कोड दिए गए हैं, आप इन QR कोड को स्कैन करके भी पेमेंट कर सकते हैं। और पेमेंट करने के बाद आपको पेमेंट का स्क्रीनशॉट लेना है, उस स्क्रीनशॉट को आपको इसी नंबर 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है इसी नंबर पर स्क्रीनशॉट को व्हाट्सएप कर देने हैं।
व्हाट्सएप करने के बाद आपको एक फॉर्म भेजा जाएगा, उस फॉर्म को आपको फिलअप करने होंगे। फॉर्म को फिलअप करने के बाद 24 घंटे के अंदर ही पेड क्लास के ग्रुप में आपको ऐड कर दिया जाएगा। बाकी प्यार से अगर किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत पेमेंट की रिकॉर्डिंग आ रही है तो आप इसी नंबर पर 24 घंटा कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, आपकी कॉल और व्हाट्सएप का रिप्लाई किया जाएगा। तो प्यार से ये पूरा एडमिशन प्रोसेस हो गया, उम्मीद करते हैं सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। अब क्लास की ही समाप्ति करेंगे। जो बच्चे चैनल पे पहली बार आए थे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे और क्लास 10th के हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर कर देंगे। ये आपकी जिम्मेदारी है, जितने भी बच्चे बोर्ड परीक्षा के हैं सभी बच्चों तक आप वीडियो को पहुंचा दोगे, क्योंकि इस समय यूट्यूब पर भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस दी जा रही है। और प्यार से कुछ बेहतरीन लाइनों के साथ क्लास की समाप्ति करते हैं। अगर ख्वाहिश कुछ अलग करने की है तो दिल और दिमाग के बीच बगावत लाजमी है, तो इसलिए प्यार से कुछ ऐसा करने के सोचो जो किसी ने नहीं किया हो। तो उम्मीद करते हैं सभी प्यारे अपनी पढ़ाई को एकदम ईमानदारी से कर रहे होंगे, जिससे आप अपने नाम को आगे बढ़ा सकते हैं, अपनी परिवार के नाम को गौरवान्वित कर सकते हैं। तो यही सभी बच्चों से उम्मीद करते हैं और इन्हीं उम्मीदों के साथ सेशन की समाप्ति करते हैं। मिलते हैं कल की नई कल की एक नए टॉपिक की क्लास के साथ मिलते हैं। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखना, अपने परिवार का ध्यान रखना। लव यू ऑल प्यारे बच्चों।